आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डार्क रूम में रेडियोग्राफी फिल्म प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है और साथ ही फिल्म में कटिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग कैसे किया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप आज मैं इस वीडियो में प्रैक्टिकली करके बताया हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, और वीडियो सही लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारा एक बार टेक्नो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मज़ेद आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं सीधे वीडियो की। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि फिल्म कटिंग कैसे किया जाता है। तो फिल्म कटिंग करते टाइम लाइट ऑफ रखना ज़रूरी है, क्योंकि लाइट ऑन रखने से फिल्म ख़राब हो जाती है। सपोज दिस इज़ फिल्म शीट और दिस इज़ फिल्म शीट, सो ये ओरिजिनल फिल्म नहीं है, उसका कॉपी है। सो इसको कैसे कट करते हैं, मतलब 5 शीट कट कर सकता है क्योंकि वो फिल्म लाइट ऑन है, इसलिए सो कट नहीं कर सकता है क्योंकि ये पेपर शीट है। इसको कट करके दिखाता हूँ मैं। सो ये फिल्म है ना, 5 शीट कट सकता है। इसका इंच है 3x15। सो इसको कैसे लोड करता है कैसेट का अंदर, सो मैं आपको दिखाने के लिए ये कट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको बताऊंगा कि फिल्म लोडिंग कैसे किया जाता है। तो फिल्म लोडिंग करने के लिए आपको फॉर एग्जांपल के लिए वेस्टर्स फिल्म, ये हमारा वेस्ट फिल्म, जिसे मैं आपको लोडिंग करके बताऊंगा कि किस तरह से फिल्म लोडिंग किया जाता है। सपोज दिस इज वेस्टेज फिल्म, ये वेस्टेज फिल्म को लेट स्क्रीन के अंदर रखना है। रखने के बाद इसको पहले इनर कवर के अंदर लोड करना है। लोड करने के बाद फिर इसको घुमाना है। घूमने के बाद इसको फिर आउटर कवर के अंदर रखना है। अभी ये फिल्म अभी रेडी हो चुका है। सो अभी ये फिल्म को एक जॉइंट में 4 फिल्म लग सकता है, मतलब 4 शॉट ले सकता है, जिसका साइज है 3x15 इंच। यह है एक्सपोजर फिल्म जिसका साइज है 3x48 इंच। इस फिल्म का ब्रांड नेम D7 फूजी है। इसे भी सेम वैसे ही लोडिंग किया जाता है जैसा कि आप पीछे वीडियो में बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसी साइज का लेड स्क्रीन, इनर कवर और आउटर कवर अवेलेबल है। सबसे पहले इस फिल्म को लेड स्क्रीन के अंदर रखा जाता है और इसे बराबर कर इनर कवर के अंदर डाल दिया जाता है, और इसके बाद फिर इसे घुमाकर आउटर कवर में डाल दिया जाता है, जैसे कि 3x15 इंच वाले फिल्म को लोडिंग करके दिखाया गया था। ये है स्पूल है, ये रॉड है। सबसे पहले ये स्पूल का अंदर है क्लिप होता है, वो क्लिप को प्रेस कर फिल्म को दबा दिया जाता है और फिल्म को स्पूल के अंदर राउंड साइड से घुमाया जाता है। तो राउंड साइड से घुमाते घुमाते आप देख सकते हैं कि किस तरह से घुमाया जा रहा है और हमारा फिल्म स्पूल के अंदर लोडिंग होते जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस स्पूल में एक और फिल्म एडजस्ट करना चाहते हैं तो इसे भी सेम वैसे ही ओपन वाले फेस पे लगाएंगे और थोड़ा गैप लेने के बाद रोटेट किया जाता है। रोटेट करके इसे भी इस फिल्म को भी लोड कर दिया जाता है। तब देख सकते हैं कि किस तरह से रोटेट किया जा रहा है। फिल्म लोडिंग कंप्लीट होने के बाद इसे डेवलप करने के लिए स्पूल के सेंटर में दिए गए गैप में रॉड को डालकर डेवलप किया जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। यह है हैंगर जिसका साइज है 3x15 इंच। इस हैंगर के थ्रू फिल्म को डेवलप किया जाता है। इस हैंगर में एक साथ में 4 फिल्म को डेवलप किया जा सकता है। सबसे पहले एक्सपोजर फिल्म को एक एक कर हैंगर के अंदर डाल दिया जाता है और इसमें लगे क्लिप के थ्रू फिल्म को दबा दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि हमारा फिल्म डेवलप के लिए रेडी हो चुका है। तो चलते हैं सीधे फिल्म को डेवलप करने के लिए और अब देखें कि फिल्म प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं इसमें यूज़ होने वाली केमिकल्स की तरफ, जो कि 4 टाइप्स का है। तो सबसे पहले ये है हमारा डेवलपर, ये है हमारा स्टॉप बाथ, और ये है हमारा फिक्सर,
और ये है हमारा रनिंग वाटर। एंड लास्ट वन इजी वाटर। स्टेप बाय स्टेप ये सारे केमिकल्स के थ्रू फिल्म को डेवलप किया जाता है। सबसे पहले फिल्म को डेवलपर में डाला जाता है जिसका डेवलपिंग टाइम 3 to 5 minutes है, जो थिकनेस एंड एक्सपोजर टाइम पे डिपेंड करता है। जिसका डेवलपिंग टाइम टाइमर में सेट कर फिल्म को डेवलपर में डाला जाता है और इसे 2 to 3 minutes तक अच्छी तरीके से हिला लिया जाता है। फिर इसका डेवलपिंग टाइम पूरा होने के बाद इसे डेवलपर से निकालकर स्टोव बाथ में डाला जाता है। तो स्टोव बाथ में डालने से पहले इस फिल्म को रेड लाइट के थ्रू चेक कर लें कि हमारा जो इमेज है प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसे चेक करने के बाद स्टोव बाथ में डाला जाता है जिसका टाइमिंग है 15 सेकंड। 15 सेकंड कम्प्लीट होने के बाद इसे स्टोव बाथ से निकाल कर फिक्सर में डाला जाता है जिसका फिक्सिंग टाइम है 5 to 10 minutes। इसका फिक्सिंग टाइम कंप्लीट होने के बाद इसे फिक्सर से निकाल कर आप किसी भी लाइट्स के थ्रू चेक कर सकते हैं, जिससे फिल्म में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसे फिक्सर से निकाल कर रनिंग वाटर में डाला जाता है जहां 10 टू 30 मिनट्स तक फिल्म को वॉश किया जाता है। इसका वॉशिंग टाइम कंप्लीट होने के बाद इसे रनिंग वाटर से निकाल कर फिल्म की वाटर मार्क एंड शाइनिंग के लिए इजी वाटर के थ्रू वॉश किया जाता है। वॉशिंग कंप्लीट होने के बाद इसमें लगे क्लिप को खोलकर फिल्म को एक एक कर निकाल लिया जाता है। इसे ड्राई के लिए साइड में लगे क्लिप के थ्रू एक एक फिल्म को एक एक कर टांग दिया जाता है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, जिसका ड्राई टाइमिंग है 30 to 60 मिनट, जिसमें डार्क रूम का टेम्परेचर 0 to 25 degrees Celsius होना चाहिए, जिसकी हेल्प से फिल्म एंड केमिकल्स को सेफ रखा जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि फिल्म इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है। तो जो भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।